हेलो गाइस। तो गाइस लास्ट वीडियो उसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से यहाँ पे इस ऑप्शन को, यहाँ पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम क्वेरी करने के लिए, और हमारा डेटा जो है क्वेरी होकर यहाँ पे मिल जाता है। रन करते हैं इसको। और हमारा डेटा जो है क्वेरी इसके थ्रू इस तरीके से मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे एक व्यू होता है आपके पास, एसक्यूएल व्यू। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है गाइस? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक सेपरेट लैंग्वेज है जो कि जैसे हमारे पास NSSQL है, PostgreSQL है, Oracle है। तो गाइस वहाँ वो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये जो फैसिलिटीज हैं, इसके अंदर क्या होता है, हम क्वेरीज को लिखते हैं और क्वेरीज को लिख के जो है अपनी क्वेरी रन करते हैं, और हमारा डेटा जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म से डेटा फेच होता है और वहीं पे मैनिपुलेट भी होता है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एसक्यूएल को यूज़ करना चाहते हो, एसक्यूएल क्वेरीज को, अगर आपको एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल की लैंग्वेज आती है, आप उसके थ्रू यहाँ पे क्वेरी रन करना चाहते हो और अपने डेटा को फेच करना चाहते हो या यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन व्यू के अंदर ऑप्शन है कहीं ना कहीं लिमिटेड है, और आप अपने डेटा को बहुत ज़्यादा तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली आप जाके इसको एसक्यूएल व्यू पे जाके अपनी क्वेरी को रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एसक्यूएल व्यू पे जाते हैं हम, देखिए हमने जो भी काम अभी तक करा उसकी उसने क्या करा, ऑटोमेटिकली क्वेरीज लिख दी। ये वही है जो हमें जो क्वेरी का डेटा भी निकल कर आया था, वो सेम चीज यही है। इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में एसक्यूएल क्वेरी लिख दी है, और वही एसक्यूएल क्वेरी जो है हमारी रन होती है। यहाँ पे देखिए हमें कौन कौन से टेबल्स चाहिए और हमने जो फंक्शंस लगाए थे वो सब भी यहाँ पे लगे हुए हैं, और इसको देखिए ऑर्डर बाय सेल्स इसको सॉर्ट भी किया हुआ है। तो वैसे ये बिल्कुल वही सेम एसक्यूएल क्वेरी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। और इसके अंदर आप गाइस अपनी खुद की क्वेरी लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, सेपरेट एक क्वेरी बनाते हैं, इसके पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम चलते हैं वापस से क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन। यहाँ पे देखिए क्वेरीज आ गया, ऑर्डर्स। लेकिन इसके अंदर गाइस हम क्या करेंगे, हम एसक्यूएल व्यू के थ्रू लिखेंगे क्वेरी। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसक्यूएल व्यू के थ्रू हम खुद से कोडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे गाइस हम लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद आता है टेबल का नाम। गाइस अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, पता होगा, क्योंकि मुझे एसक्यूएल आता है तो मैं एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, यानी कि टेबल का नाम, ऑर्डर्स, उसके बाद आता है सेमी कॉलन। आप गाइस इसको हम रन कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, स्टार का मतलब होता है गाइस सारे के सारे कॉलम्स, यानी मेरे टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे मैं देखना चाहता हूँ किसके, ऑर्डर्स के। यहाँ पे इस क्वेरी को रन करते हैं, ये देखिए मेरे पास सारा का सारा डेटा क्वेरी के अंदर रन होकर आ गया। अब गाइस इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करते हैं, जैसे मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ ऑर्डर डेट और शिपमेंट डेट, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं, या फिर हम सेगमेंट ले लेते हैं, सेगमेंट और कंट्री, ये दो कॉलम से जो मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से एसक्यूएल व्यू पे जाऊँगा, और यहाँ पे जो है मैं सारे कॉलम्स की जगह पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा कस्टमर, कस्टमर एंड सेगमेंट। अब गाइस इसको रन करने से क्या होगा, सिर्फ हमारे कस्टमर और सेगमेंट ही जो है हमारे क्वेरी में रन होंगे। पैरामीटर तो मैंने आपको यूज किया नहीं गाइस। एक बार फिर से देखते हैं डेटा सेट को अपने, कस्टमर सेगमेंट। सेलेक्ट कस्टमर सेगमेंट फ्रॉम ऑर्डर, एंटर पैरामीटर वैल्यू। इस पैरामीटर वैल्यू का मतलब होता है जहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया देते हैं और उसी चीज को वो विजिबल करेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको यूज नहीं किया है। तो नीड टू चेक कि ऐसा क्यों हो रहा है, पैरामीटर्स क्यों शो हो रहे हैं। कस्टमर की जगह ले लेते हैं, लेट्स से ऑर्डर डेट, फ्रॉम ऑर्डर्स रन करते हैं।
यहाँ पे इसको देखने की जरूरत है क्या शो हो रहा है यहाँ पे। लैंग्वेज तो क्वेरी तो सही लिखी हुई है गाइस, यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं अभी भी। तो ऐसा करते हैं, हम देखते हैं इसमें ऐसा इशू क्यों आ रहा है। हम क्वेरी बिल्डिंग के थ्रू जो है इसके डिजाइन व्यू पे जाते हैं, तो हटा देते हैं, डिजाइन व्यू पे चलते हैं। डिजाइन व्यू एक फ्रेश क्वेरी करते हैं, डेवलप इसको क्लोज करते हैं। क्वेरी क्रिएट क्वेरी डिजाइन, यहाँ से ऑर्डर्स को लेते हैं। ओके अब यहाँ पे गाइस हम सिर्फ ऑर्डर डेट लेते हैं, ऑर्डर डेट एंड सेगमेंट। अब गाइस इसका मतलब है कि ऑर्डर डेट और सेगमेंट ही हमें से विजिबल होंगे। अब हम इसकी एसक्यूएल व्यू पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेरी लिखी हुई है। ये देखिए तो गाइस यहाँ पे जो है ये इसको तब रीड कर रहा है जब हम इसकी टेबल का नाम भी इसके साथ लिख रहे हैं, तभी क्वेरी रन कर रही है। जबकि ओरेकल एसक्यूएल वगैरह में जो है जो दूसरे प्लेटफॉर्म से हमारे एमएसएसक्यूएल और जो ओरेकल है उसके अंदर इस तरीके से काम नहीं चलता। हम सीधे कॉलम्स के नेम दे सकते हैं और वो हमारा रन हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस इसका अलग तरीका है क्वेरी लिखने का, लेकिन लिखी इसमें सेम ही क्वेरी है, बस यहाँ पे टेबल का जो नेम भी है उसने अटैच कर दिया है। और ऑर्डर डेट जो है किसका, ऑर्डर्स का, सेगमेंट ऑर्डर्स का फ्रॉम ऑर्डर। सो गाइस इसको रन करेंगे तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। रन करते हैं, ये देखिए हमारे पास ऑर्डर डेट आ गई और सेगमेंट आ गया। तो इस तरीके से गाइस आप एसक्यूएल व्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और भी क्वेरीज यहाँ पे लिखी जा सकती है अगर आप लिखना चाहते हो तो। वैसे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी क्वेरी लिखी हुई है। डिजाइन पे जाते हैं, इसके एसक्यूएल व्यू पे जाते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी क्वेरी लिखी हुई है गाइस। तो सेम काम जो हमने अभी किया था यहाँ पे जो नीचे जो ऑप्शन थे उसके साथ किया था, उसने इसको क्वेरी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे गाइस सिंपल, अगर आपको एसक्यूएल अच्छे से आता है तो एसक्यूएल की क्वेरीज आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हो और अपने डेटा को जो है फेच कर सकते हो और उसके ऊपर काम भी कर सकते हो। जैसे आप एक्सेल नॉर्मली काम करते हैं उसी तरीके से फंक्शंस का इस्तेमाल करके डिफरेंट और डिफरेंट इसके जो यूज और इसके जो फंक्शनैलिटी है एसक्यूएल की, उसको यूज करके अपने डेटा को आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, और कंटिन्यू करते हैं क्वेरीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।